नमस्कार दोस्तों, बिजनेस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी छोटे से शहर में या गांव में रहते हैं और वहीं रह करके आप कम पैसे में बेहतर बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस लेकर आया हूं। इसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों, आप इस बिजनेस को ओनली 5,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू करके आप जो है 20 से अधिक बिजनेस करके अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस का सामग्री है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग बॉक्स है। ये टोटल आप ओनली 5,000 की इन्वेस्टमेंट करके जो दोस्तों जो हैं आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस को करने के लिए कोई विशेष स्किल की आवश्यकता नहीं है। इसे कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, नॉन टेक्निकल व्यक्ति और घरेलू महिलाएं आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की वीडियो में आपको स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस का जितना भी सामग्री है इसका उपयोग और प्रोसेस को आपको मैं आप बताऊंगा और साथ ही छपाई के कार्य को आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, और इस बिजनेस के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे ही सॉलिड बिजनेस लेकर आते रहता हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग के मशीन से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन से बहुत सारे कार्य, पूरे छपाई का जो कार्य है दोस्तों, वो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन से किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, शादी कार्ड हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, शोक पत्र हो गया और आमंत्रण पत्र हो गया, इसकी जो छपाई है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मिठाई के डिब्बों में जो छपाई होता है दोस्तों, और आपका सभी प्रकार के रसीद बुक हो गया, बिल बुक हो गया और सन पैक हो गया, पाम्पलेट की छपाई जो है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और यदि कपड़ों की बात करें दोस्तों, तो टी शर्ट हो गया, रुमाल हो गया, स्कार्फ हो गया और साड़ियों में जो छपाई का कार्य है वो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि यहाँ पर जितना भी सामग्री रखा हुआ है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस का, है ना, इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन सी सामग्री है और इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस में जो सबसे मुख्य सामग्री है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन प्रिंटिंग बॉक्स है। इसको जो है दोस्तों, मैं बढ़ाई से ओनली 2,000 की इन्वेस्टमेंट से बनवाया हूँ। इसे आप भी बनवा सकते हैं। इसका जो है आगे मैं आपको कैसे बनवाया हूँ उसको आपको लाइव दिखाऊंगा, आप वीडियो देखेंगे उससे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अन्य सामग्री में जो है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसको एयर गन भी बोलते हैं और हेयर ड्रायर भी बोलते हैं। ये आपको मार्केट में 600 रुपये से 1,000 रुपये में मिल जाएगा। इसका अगर उपयोग की बात करूँ दोस्तों, तो ये जैसा कि दोस्तों स्क्रीन फ्रेम है ना, इसका उपयोग भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ हेयर ड्रायर का उपयोग, तो इसका जो उपयोग है दोस्तों, जैसे कि इसमें कोटिंग लगा हुआ है ना, ये जैसा कलर देख रहे हैं, ये कोटिंग लगा हुआ है। जब ये कोटिंग लगता है दोस्तों, है ना, डिजाइन उतारने के लिए, उस समय इसको, इसकी सहायता से, कहने का मतलब ये एयर गन की सहायता से इसको सुखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एयर गन जो है दोस्तों, आपको मार्केट में ओनली 600 रुपये से 1,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अब इसके बाद जैसा कि ये मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, है ना, ये स्क्रीन फ्रेम है। देखिए, ये अलग साइज का है और ये आप देख रहे हैं, ये अलग साइज का है ना। तो ये जो है अलग अलग साइजों में आता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 100 से 200 रुपये में मिल जाता है। अब इसका क्या उपयोग है दोस्तों, इसका जो उपयोग है छपाई के लिए मुख्य किए जाते हैं। जैसे कि हम इस पाम्पलेट को, जैसे हमें छापना है दोस्तों, है ना, तो इसमें जैसे पूरा कोटिंग हो गया, कलर हो गया, उसके बाद हम ऐसे नीचे में रख करके दोस्तों, है ना, ये जैसे स्कूजी की सहायता से, ये स्कूजी है, स्कूजी की सहायता से जैसे हम छपाई करेंगे, तो कहने का मतलब छपाई में इसका जो है मुख्य उपयोग में लाया जाता है। ये देखिए अलग साइज का है और ये अलग साइज का, ये रेडीमेड आपको मार्केट से मिल जाता है।
अब आगे आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्कूजी, है ना। देखिए छोटा साइज का हो गया, ये मीडियम साइज हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा साइज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए स्कूजी का साइज है ना। इन साइजों के हिसाब से ये स्कूजी मार्केट में मिलता है। ये जो है 50 से 200 रुपये के आसपास साइज के हिसाब से जो है इसकी कीमत होती है, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों, ऐसे कि मैंने बताया है ना, छपाई के वक्त जो है दोस्तों, ये स्क्रीन फ्रेम के नीचे है ना, जिस कागज़ में हम छपाई करेंगे, ये ऐसे मतलब छपाई का कार्य जो है इसमें किया जाता है। ऐसे स्लाइड प्रेस करके हम इसमें छपाई का कार्य करते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्कूजी। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ और क्या है उपयोग इसका। आगे जो है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये देखने से आपको समझ में आ रहा होगा है ना, ये क्लैंप है, ये सी क्लैंप वाइस है। इसमें क्या है, छपाई का कार्य तीव्र गति से करने के लिए इस स्क्रीन प्रिंटिंग बॉक्स में स्क्रीन फ्रेम को क्या है, क्लैंप करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग बॉक्स में यहाँ पर ये क्लैंप बना हुआ है ना, इसी में जो है यहाँ पर जो है दोस्तों, ये क्लेम करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। मैं आगे आपको जो है वीडियो में, आपको जैसे आप आगे देखेंगे दोस्तों, लाइव वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इसका उपयोग है दोस्तों, क्लेम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अगला सामग्री की बात करें दोस्तों, तो ये चम्मच है, इसमें कलर लगा ही हुआ है, देख रहे हैं। तो इस मतलब इंक को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये चम्मच है दोस्तों, निकालने के लिए और फैलाने के लिए जो है कलर को इसका उपयोग किया जाता है। और मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, ये कंटेनर है, देखने से भी समझ में आ रहा होगा है ना। इसका उपयोग जो है कोटिंग पेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों, इसमें स्केल बना हुआ है ना, ताकि हम एक निश्चित मात्रा में जैसे आवश्यकता है तो ले सकें। तो ये जो है दोस्तों कंटेनर बोलते हैं इसको, कोटिंग पेस्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो है दोस्तों बटर पेपर है, ये देख रहे हैं इसमें डिजाइन, इस डिजाइन की हम जितना भी पाम्पलेट जो है जैसे छापना चाहे तो छाप सकते हैं। तो ये पहले प्लेन रहता है इस प्रकार से, और इसको जो है कंप्यूटर में जैसे हमें कोई डिजाइन पसंद आएगा, जो भी छपाई करना है उसको जो है कंप्यूटर से कॉपी करने के लिए इस बटर पेपर का, इसको बटर पेपर बोलते हैं दोस्तों, इस बटर पेपर में जो है इस डिजाइन को उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार की डिजाइनें उतार करके, जैसे कि अलग डिजाइन है ना, तो ऐसे ही इस कागज में जो है दोस्तों, इस स्क्रीन फ्रेम कलर कोटिंग की सहायता से छपाई का कार्य जो है किया जाता है। आगे का जो सामग्री दोस्तों आपको बता रहा हूँ, ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंटिंग लिखा है दोस्तों, इंक, प्रिंटिंग इंक है ना, इसकी सहायता से छपाई किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये ब्लैक कलर है ना, तो ये ब्लैक कलर का कलर है, ऐसे ये रेड कलर है, ऐसे अलग अलग कलर में आता है। और ये भी आपको 100 से 200 रुपये में मिल जाएगा, तो छपाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये जो है दोस्तों कोटिंग है ना, इस कोटिंग की सहायता से ही इस डिजाइन को जो है दोस्तों, बटर पेपर का जो डिजाइन है उसी को जो है दोस्तों इस स्क्रीन फ्रेम में जो है उतारने के लिए लाया जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ डिजाइनें आपको दिख रहा होगा, इसी डिजाइन को जो है कोटिंग की सहायता से स्क्रीन फ्रेम में उतारने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। तो ये कोटिंग हो गया, आपका इंक हो गया, ये पेंट जैसे कि रेट में मिल जाता है, आसानी से 100 से 200 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। अब ये तो रहा दोस्तों मुख्य सामग्री, इसके अलावा कुछ सहायक सामग्री है या अन्य सामग्री कह सकते हैं। जैसे कि ये कास्टिक सोडा है दोस्तों, है ना, इसका उपयोग कोटिंग को क्या है धोने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल वाइट कलर का है ना। और अन्य सामग्री की बात करूं दोस्तों, तो ये निरमा है, इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों।
बाकी ये सब जितना भी सामग्री आप देख रहे हैं इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इन सामग्रियों की सहायता से हम स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में स्क्रीन प्रिंटिंग के बिजनेस को लेकर के आपको जो जानकारी दिया है, सामग्री की आपको जानकारी दिया है, वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखा है, एक बार आप हमारे चैनल को अवश्य विजिट करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।